आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें क्या सर्व किया जाए, आप उन्हें ये ठंडा ठंडा शरबत सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लें, उसमें 2 कप पानी डालें और उसे गैस पर चढ़ा दें। हमें पानी को गर्म करना है, तब तक हम एक छोटा सा बॉल लेंगे और उसमें जेली पाउडर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने ये वाला जेली पाउडर का यूज़ किया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इस डब्बे के अंदर ये छोटा पैकेट भी मिलता है। अब हम इसमें 2 चम्मच जेली पाउडर निकालेंगे और 1 चम्मच ये छोटे वाले पैकेट से पाउडर लेंगे। ध्यान रहे, अगर आप 2 चम्मच ले रहे हैं तो आपको 1 चम्मच इस छोटे वाले पैकेट से लेना है। आप जितना भी जेली पाउडर लेंगे उसका हाफ आपको ये वाला पाउडर लेना है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें और देखें कि पानी जब गर्म हो चुका है तब हम इस पाउडर को इस पानी में डाल देंगे। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहें, हमें इसे चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं रहे। जब आप देखेंगे कि पानी में एक बॉयल आ रहा है तब हम गैस को बंद कर देंगे। तब तक आप इसे इसी तरह से चलाते रहें जब तक कि बॉयल नहीं आए। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब जेली को सेट होने के लिए हम इसे एक बर्तन में डालेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे केक का ये बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसे इसमें डालने से पहले इसे इस तरह से चला लें। चलाने के बाद आप इस लिक्विड को इस बर्तन में डाल दें। अब हम इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट में आपका जेली जो है पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। उसके लिए एक पैन ले लें, उसमें 1 लीटर दूध डालें। यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध का यूज़ किया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। दूध को हमें बॉयल करना है, जब तक कि दूध बॉयल नहीं होता तब तक हम एक जार लेंगे, उसमें थोड़ा सा बादाम डालें, थोड़ा सा काजू डालें, थोड़ा सा पिस्ता डालें और इसे अच्छे से पीस लें। आप चाहे तो और भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे 3 ही तरह का ड्राई फ्रूट्स लिया है। पीसने के बाद आप इसे भी एक बाउल में निकाल लें। देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक इस तरह का पीसा है, आप भी बिल्कुल इसी तरह से इसे पीसें। अब एक छोटा सा बाउल ले लें, उसमें 2 बड़ी चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालें। यहाँ पे मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालें और इसे 1 चम्मच से मिक्स करते जाएं। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि कस्टर्ड पाउडर जो है पूरी तरह से दूध में मिक्स नहीं हो जाए। इसे चलाते रहें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं रहे। देखिए कस्टर्ड पाउडर जो है वो दूध में पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब चलिए देखते हैं दूध बॉयल हुआ या नहीं। दूध जो है बॉयल हो चुका है, अब 1 चम्मच से इसे इस तरह से चला दें। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर डालेंगे जो अभी हमने तैयार किया था। अब इस पाउडर को इस दूध में डाल दें। अब हम इसमें 1/3 छोटी चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए हम इसे इसमें डाल रहे हैं। अब 1 चम्मच से इसे चलाते जाएं। इसे कंटिन्यू आप इसी तरह से चलाते जाएं। हमें इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह से चलाना है ताकि ड्राई फ्रूट्स जो है दूध में अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड डालेंगे जो अभी हमने तैयार करके रखा था।
इसे डालने से पहले आप इसे इसी तरह से एक बार चला लें और फिर इस दूध में डालें। कस्टर्ड पाउडर वाला लिक्विड डालने के बाद आप दूध को कंटिन्यू चलाते रहें। इसे आप 2 सेकेंड के लिए भी ना छोड़ें, वरना इसमें बहुत जल्दी लम्ब्स आ जाते हैं। इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहें 5-7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट चलाने के बाद आप देखेंगे कि दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। देखिए 5-7 मिनट के बाद दूध कैसा दिख रहा है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह का गाढ़ा करना है। जब दूध गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब मैं यहाँ पे 4 बड़ी चम्मच चीनी डालूंगी। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप उसे एक बार इस तरह से चला दें ताकि चीनी डिसॉल्व हो जाए। अब गैस को बंद कर दें। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा जेली जो है वो सेट हुआ है या नहीं। तो देखिए जेली जो है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए एक चाकू ले लें और उससे इस तरह से एक साइड से कट करते जाए। यहाँ पे मैं क्यूब के साइज में जेली को कट कर रही हूँ ताकि जब हम इसे शरबत में डालेंगे तो वो देखने में अच्छा लगेगा। अब दूसरे साइड से भी इसी तरह से कट करते जाएं ताकि ये क्यूब के साइज में बन जाए। आप अपने हिसाब से पीसेस रख सकते हैं, बड़ा छोटा जैसा आपको पसंद हो। अब एक चम्मच ले ले और जेली को निकाले। देखिए ये कितने अच्छे से निकल रहा है। हमारा जेली जो है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। 15 मिनट में जेली जो है वो सेट हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं कट किया है, मीडियम साइज में है इस तरह का। चलिए अब देखते हैं, दूसरे प्रोसेस के और चलते हैं। उसके लिए एक छोटा सा बॉल ले ले, उसमें 2 बड़ी चम्मच सब्जा का सीड्स डाले। इसे हम बेसिल सीड्स भी कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाले और एक चम्मच से इसे चलाते जाए। ये 2-3 सेकेंड में ही फूलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप इसे ऐसे भी चला के मतलब फुला सकते हैं या फिर इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे चला ही रही हूँ और ये फूल गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़े अच्छे से और भी फूल जाए। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और इसमें दूध को डाल देंगे जिसे अभी हमने पकाया था। देखिए मैंने यहाँ पे दूध को पूरी तरह से ठंडा कर लिया, फिर मैं इसे ले रही हूँ। आप भी दूध को पूरी तरह से ठंडा होने दें। अब एक विस्कर की मदद से इसे मैं विस्क करूँगी। देखिए मैं यहाँ पे इसे विस्कर से फेंट रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर फेंटें ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स वगैरह नहीं रहे। अब मैं यहाँ पे इसमें सब्जा सीड्स डाल दूँगी जिसे मैंने अभी भिगो के रखा था। देखिए 3-4 मिनट में ही कितने अच्छे से फूल गया है। सब्जा सीड्स को इस दूध में डालने के बाद इसे भी आप मिक्स कर लें। विस्कर से ये बहुत अच्छे से फेंट जाता है। जब ये दूध और सब्जा सीड्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें आइस डालेंगे। यहाँ पे मैंने आइस को क्रश करके डाला है, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से फेंट लें। जब सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें जेली डालेंगे जिसे हमने अभी बनाकर तैयार किया था। अब आप इसमें जेली को डालें। आप इसमें पूरा जेली डाल दें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए बचा रही हूँ, मैं इसे खाऊंगी।
अब इसे आप एक चम्मच से मिक्स कर दें। तो देखिए हमारा शरबत जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब आप चाहे तो इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं या आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सर्व करूंगी। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पीने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मग लिए हैं। सर्व करने से पहले मैं इसे एक चला लूँगी। अब इसे थोड़ा थोड़ा कर कर इस मग में डालते जाएं। तो देखा ना इस शरबत को बनाना कितना आसान है। तो घर पर आप भी इस शरबत को बनाइए बहुत ही आसानी से, और जब भी घर पर कोई गेस्ट आए तो इसे सर्व कीजिए। गेस्ट को ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए घर पर आप बनाइए, खुद भी पीजिए, अपने फैमिली को भी पिलाइए, अपने गेस्ट को भी पिलाइए और इस डिश को अच्छे से एंजॉय कीजिए। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।